और पुलिस के मुताबिक पुलिस वाले शाम के करीब 6:15 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद बस में सवार होकर अपने कैंप की तरफ लौट रहे थे और रास्ते में मोटरसाइकिल में सवार आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और हैरानी की बात है कि यह हमला पुलिस कैंप से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुआ है और पुलिस की बस की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला पुलवामा के हमले के तर्ज पर ही किया गया था। बस में सवार जवानों पर घात लगाकर फायरिंग की गई। ये बस अपने कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, सिर्फ 100 मीटर पहले आतंकियों ने इस पर फायरिंग की और इस हमले पर प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है और इस हमले की पूरी जानकारी मांगी है उन्होंने। दरअसल बस में सवार पुलिस वालों की तैनाती लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए की गई थी और अपना काम पूरा करने के बाद वो लौट रहे थे और इन जवानों को सिर्फ लाठियां और ढाल दी गई थी। इनके पास हथियार नहीं था, कोई वेपन्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये आतंकियों को की फायरिंग का जवाब नहीं दे सके। एक तरह की बेबसी की मौत इनको मिली और बेबसी की हालत में ये उस दौरान फंस गए और बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी और वो जो बस थी वो भी बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बिल्कुल बचने का मौका भी नहीं मिला। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि आतंकियों को इस कार्रवाई की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर लहूलुहान करने की बहुत बड़ी साजिश की है। इन कायर दरिंदे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे वीर जवानों की एक गाड़ी को टारगेट किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमेशा कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाए, लेकिन भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस के जवान इन कायर पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनका सफाया करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।